पुणे के तीर्थ क्षेत्र आलंदी में संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी संजीव समाधि महोत्सव कार्तिकी यात्रा संपन्न हुई। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने 21 साल की अल्पायु में ईस्वी सन 1996 में भारत के महान संत एवं प्रसिद्ध मराठी कवि संत ज्ञानेश्वर जी ने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर समाधि ग्रहण कर ली। उनकी समाधि पुणे जिले के तीर्थ क्षेत्र आलंदी में इंद्रायणी गंगा के तट पर सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में स्थित है। इस संजीव समाधि को आज 724 साल पूरे हो चुके हैं। आज संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के संजीव समाधि महोत्सव के लिए सुबह से समाधि पर पंचामृत महाअभिषेक ऊटी चंदन की पूजा संपन्न हुई। साथ ही संत नामदेव महाराज जी के वहीं उनके उपदेशों और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथों के लिए उन्हें आज भी संत ज्ञानेश्वर महाराज जी को याद किया जाता है। गए 5 दिन से आलंदी में लाखों की संख्या में भाविक शामिल हुए थे। संजीवनी समाधि सोलह जो ये 724वां सोलह है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ज्ञानेश्वर महाराज के साथ में जो संत थे और भगवान खुद यहाँ आके उनके समक्ष संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने यह समाधि ली है, संजीवन समाधि है। और आज भी भाविकों के मन में ये श्रद्धा है कि ज्ञानेश्वर महाराज जैसे थे वैसे ही आज भी है। और वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, ये लेने के लिए देश विदेश से और महाराष्ट्र के कानों को कैसे बहुत से वारकरी संप्रदाय के लोग आते हैं, उनकी श्रद्धा अतुट है। और उनको जो कुछ प्रशासन या मंदिर प्रशासन से जो कुछ हमारा बनता है उस हिसाब से सुख सुविधा देने की कोशिश संस्थान कमेटी की हमेशा रह रही है। हमारे महाराष्ट्र में जो बड़े संत हैं उसमें संत ज्ञानेश्वर महाराज है और महाराष्ट्र की भूमि संत भूमि है। इस संत भूमि में ज्ञानेश्वर महाराज जैसे बड़े संत, इनकी संजीवनी समाधि है। संजीवनी समाधि देने के लिए साक्षात भगवान परमपिता पांडुरंग परमात्मा ये आलंदी में पहुँचे थे और उनके साथ नामदेव राय थे। इसके लिए आज का ये तिथि का बहुत बड़ा महत्व वारकरी संप्रदाय में है। और ये अभी जो समाधि सोलह चल रहा है उसमें हमारे बड़ी दुखद की घटना जो हो गई थी कि जो हमारे पैदल वारकरी आ रहे थे उसमें हमारे जो नामदेव महाराज के वंश सोपान नामदास वो पुलिस बंदोबस्त नहीं था, इसके लिए दुर्घटना हो गई। इसके लिए माहौली की चरणी में और समस्त चैनल के तरफ से मैं विनंती करता हूँ, जैसा जो देश के चोर लोग हैं उनके लिए बंदोबस्त मिलता है और जो भगवान का भक्त है उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं मिलता है। आज जो दुर्घटना घटते है इसके लिए कुछ देव दस धर्म के लिए हमारे सरकार ने कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए और हमारे वर्करों को सुविधा देनी चाहिए। VSRS न्यूज पुणे।